मैडम दिया भी मैं कब छुट्टी लेंगे भाई जी मैं हूँ ना साथ में जानती हूँ ना मैं दिल्ली में थी दिल्ली से आई बा मैं भी सिर्फ भैया आपके साथ आज भी है तो अभी तो वहाँ कल्याण तरफ का है ना यहाँ मेन रोड में लगेगी मेन रोड में लगेगी उनके नाम से रोड भी होगा गेट भी होगा ठीक है भैया भाई बहुत मेहनत करके बच्चों को लेकिन देश के लिए गए ये बेटी है बेटी है ये दो बेटियां भी हैं और तीन बेटे शादी करने चार करने के लिए हैं चिंता ना करो बेटा मैं हूँ अभी नहीं होगा मेरे आपका आपका बेटा शांत से गया है हाँ ये गौरव किसी को नहीं मिलता घर में आदमी चला जाता है कितने कोरोना में चले गए रोड पे ही कर रोड पे करवाएंगे सुनो जमीन नहीं आएगी तो किसी की खरीद के आपको देंगे जमीन रोड में नहीं होगी दस बिसवा जहाँ भी होगी वो आपको करवा के देंगे ग्राम पंचायत में होगी तो भी नहीं होगी तो हम सब लोग मिलकर करेंगे समाधि उसके लिए स्मारक के ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत लेटर भी जारी किया भेजा भी होगा आपके पास लेटर तो ये सबका है ना और हमारा अपना है ना अब देश के पीछे नहीं हटेंगे अभी भी नहीं हटेंगे हम आज तभी तो आपका बेटा शेर हुआ है पैदा दिल है हमारे सब शेर हमारे सब तभी तो दिल है सब भाइयों के दिल में प्यार बहुत ज्यादा है जैसे ही आते लोग गले लगते हैं सब लोग दीदी परिवार की मांग है कि उनको शहीद स्थल के लिए रोड किनारे जमीन चाहिए इस बारे में आप क्या कहेंगे अभी अधिकारियों जो अभी डीएम साहब भी आने वाले हैं डीएम साहब से पूरी बात होगी एसडीएम वगैरह गए हैं अभी जहां संस्कार करना है अंतिम संस्कार ये रोड के किनारे चाह रहे हैं तो मैं बात करूंगी सरकार अधिकारियों से और मैं कह के जा रही हूं यदि नहीं मिलेगी तो दस बीस उसके नाम से कहीं भी हम जमीन खरीदवा के देंगे ठीक ठीक और बकाया क्योंकि ये तो इनका पुत्र अकेले नहीं गया माँ भारती का सपूत गया देश की सेवा करते करते हम सबका फर्ज बनता है कि हम लोग क्योंकि इन्हीं ऐसे ही लोगों के कारण हम सुरक्षित हैं देश में सीने पर गोलियां खाते हैं बर्फीली चट्टानों में रहते हैं ये तपस्या इतनी कोई तपस्या नहीं कर सकता जितनी सेना के नौजवान करते हैं मैं तो अभी घूम के आई उस एरिया में कैसे नौजवान पीठ में वजन लादे और हाथ में चारों तरफ सुरक्षा कर रहे हैं मैं थी दिल्ली में मैंने फेसबुक में देखा तब मैंने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को पता करवाया कि क्योंकि दो खदरा हैं एक खदरा दुमई ब्लॉक में और एक ये तो मुझे बाद में पता मैंने पता करवाया तब पता चला मैं दिल्ली से रात में पहुँची आश्रम में मैं अभी आपके बीच में हूँ क्योंकि देखिए साधारण कोई आदमी जाता है उसमें भी दुख होता है परिवार का कोई अपना स्वजन जाता है और ये तो गार्जियन की तरह थे बच्चों को भी पाल रहे थे भाइयों को भी पढ़ा रहे थे माँ बाप की भी चिंता कर रहे थे
एक तो हमारे देश का सपूत हम लोगों को छोड़ के चला गया, लेकिन गर्व होता है कम से कम माँ बाप ने फौड़ा मिर्ची लगा के अपने बच्चे को पढ़ाया, उसे लायक बनाया, आसान से कम तिरंगे में आ रहा है, ये बहुत गर्व का विषय है। जहाँ एक तरफ परिवार में बहुत गमी है और गमी वो पूर्ति कभी नहीं की जा सकती, कितनों संसाधन दे दिया जाए लेकिन उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती। माँ भारती का सपूत गया हम लोगों को। मैं जैसे मुझे मालूम हुआ तो मैं एकदम नौजवान, अभी 50 साल का भी नहीं पूरा होगा, नहीं 38 साल अभी 38 थे, 38 साल अभी थे। क्या था, कुछ नहीं था, इंटर पास करने के बाद तुरंत जॉब लग गई थी। मैं आज परिवार के साथ में हूँ, अधिकारियों से बैठ के जो भी परिवार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी पहले से घोषित कर दिया है 50 लाख रुपया परिवार को एक नौकरी, और जो भी दिक्कत होंगी उनको भी हम समाधान करवाएंगे।